Assalamualaikum everyone, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो जो मेरा लास्ट इस तरह वाला व्लॉग था उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सब ने पूछा ये कहाँ है, इसकी लोकेशन बताएं, चार्जेस बताएं। तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ऐसी, तो उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर और सारी डिटेल्स, लोकेशन वगैरह सब होती हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं एक और इस तरह पे, तो उसके शशके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो, इस तरह की एंट्रेंस यहाँ से बिल्कुल आते हैं तो उस तरफ है पूल, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली अभी उसमें बच्चे हैं और इधर लेफ्ट साइड पर वो मिरर है और ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। इधर ये बारबेक्यू के लिए एरिया दिया गया है, अगर आपको बारबेक्यू करना हो। लास्ट टाइम हमने किया था, अभी नहीं है। और ये इस तरफ है बड़ा स्विमिंग पूल, ये अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे। और वो बच्चों की ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, ये थोड़ा डीप है तो इसलिए जेंट्स का सेक्शन अलग दिया हुआ है। तो इस तरफ आए तो वो है सामने शहर और ये है बच्चों का पूल वाला एरिया। ये बाल्टी के शशके, उफ, लास्ट वाला जो हमारा इस तरह था उसकी बाल्टी में थोड़ा सा इशू आ गया था पानी की वजह से, तो वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं गिर रही थी। ये बाल्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पर दुआ, ज़िया, बसमा सब इंजॉय कर रहे हैं। ये वाला पूल है, वो सामने शहर है। शहर को सिग्नल की पड़ी हुई है कि सिग्नल आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वाईफाई आ रहा है। इसके बगैर तो अगर पूल हो या कुछ भी हो मजा गुजारा नहीं होता ना, मजा आया ना। अच्छा तुम बताओ, जो हम लास्ट इस तरह पे गए थे वो वाला अच्छा लगा या ये? यार दोनों ही अच्छे हैं। वहाँ का जो था वहाँ पे सिटिंग थोड़ी कम थी, यहाँ पे सिटिंग बहुत अच्छी है। मतलब अलग अलग बैठ सकते हैं, जेंट्स अलग, लेडीज अलग। और लेकिन ये पूल यहाँ के काफी बड़े बड़े और बाल्टी भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट टाइम इसको गम था ना ये भरी नहीं, हम गए नहीं, आज ये भरेगी और सारा दिन वहीं बैठेगी। मैं उधर ही बैठी रहूंगी बाल्टी के नीचे, धड़ल धड़ल धड़ल। तो मैं जरा टूर करा दूं। पूल के इस तरफ है बाहर की तरफ ही ये एक सिटिंग एरिया है बहुत प्यारा सा, और वहाँ से अंदर हम एंटर होते हैं इस तरफ। ये बड़ों का जो पूल वाला एरिया है वो है, और इधर ये सारा सिटिंग एरिया है। अब हम अंदर चलते हैं, ये हैं अम्मा। अम्मा हाय। तो अभी बस हम जा रहे हैं अंदर। ये रैकेट शटल पड़े हुए हैं, यहाँ से फुस हो गया क्यों? लास्ट टाइम वाला ये पेट की हवा डालूंगी। तो अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे तो इस साइड पे ये हमारा सारा साजो सामान पड़ा हुआ है। इस तरफ साई और ये लोग सब बैठे हुए हैं। ये सिटिंग एरिया, और इस तरफ एक बहुत बड़ा मजलिस टाइप सिटिंग एरिया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बैठने के लिए सोफ़े शोफे दिए हुए हैं। ये अम्मा है। हाय अम्मा, हाउ आर यू अम्मा, कैसी आप? ठीक हूँ, आज मैं फार्म हाउस पे आई हूँ और मुझे इन लोगों ने बुलाया है। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने की तैयारी है। अम्मा आप कब जा रही हैं पाकिस्तान? अभी तो कुछ नहीं पता, मेरा बेटा जिस दिन ऑर्डर करेगा उस दिन चली जाऊँ। मुझे भी अपने साथ ले चले कम, मैं मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तान की याद आ रही है। चलो इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए जाना चाहती हूँ या अम्मा के साथ जाना चाहती हूँ? दोनों। अच्छा डन हो गया ना। अच्छा इधर से जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बैठने का सिस्टम है, तो यहाँ पर, अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर बेडरूम है। इस तरह में सिर्फ एक ही बेडरूम है और इस तरीके से है ये बेडरूम। ये रहा, ये एक ही बेडरूम है और ये इसकी एंट्रेंस है। ये पर्दे शर्दे सारे नीचे गिर जाते हैं। हाय, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। अब हम बाहर चलते हैं। हर जगह हमारे सामान सामान, वहां भी सामान ही है। वो सामने वॉशरूम है, वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले इधर टर्न लेते हैं। तो ये है किचन, ये पानी के कार्टन। अरे ये देच का कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं, ज़्यादा बड़ा दे दिया लगता है। जहाँ से हमने बनाई है वो हमारे
हेल्थ को देख के कुछ ज़्यादा ही हो गया कि हम शायद बहुत खाने पीने वाले लोग हैं, मंद के खाएंगे। और ये है पास्ता, ये भी पास्ता ये नहीं खुलती। ये फ्रिज में केक, पानी शानी, कोल्ड ड्रिंक सब है। और ये वो वाटरमेलन है जो सहर ने उतर के रास्ते से लिया था, आपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे देखा होगा। बट ये पतीला कुछ ज़्यादा बड़ा है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ वॉशरूम की तरफ। इधर बहुत सारे एक साथ लाइन से वॉशरूम है। और ये मैं फिर से हूँ, सीधा निकलते साथ इस तरह का कुछ लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। है बैट बॉल, शहर वीडियो की रिक्वेस्ट डाल रही है। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ डैडी नहीं आए और मैं डैडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी मैं और शहर रैकेट शटल खेलने लगे। बट इसकी शटल कहाँ है यार, वाकई ये कौन लाया, कौन है ये बच्चे लाए ना ये रैकेट शटल, ये पूछो उनके पास होगा। अच्छा हाँ, अभी हमने रैकेट शटर खेल लिया। अभी मैं आपको एक रूम, मैंने पूरा डिटेल में नहीं दिखाया था, वो मैं आपती हूँ। ये है एक वो बाकी का रूम। उफ, एसी इतना मज़ेदार चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा रूम है ये। यहाँ पे सारी जो, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं और एक बेडरूम आप लोग सोच रहे कम है, तो यहाँ पे भी इजीली आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं। कारपेट भी है। अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैं पीऊँगी पानी। उफ, बिरयानी की खुशबू ऐसी बम्बाट आ रही है। अभी मैं ये खा रही हूँ इंडियन सौगात, चावल का चक्री। लोग लेट खाएंगे, स्विमिंग स्विमिंग के बाद अब खाने लगे हैं पास्ता, है ना अम्मी, अम्मा ऐसा ही है ना। ये लग चुकी हमारी स्नैक वाली टेबल, शहर बना के लाई है बहुत यमी यमी सा पास्ता। अच्छा, ये ड्रिंक तो वेज पास्ता नहीं आता, बेक पास्ता नहीं आता मुझे ना, ये वेज अच्छा है, मुझे तो पास्ता आता ही नहीं बनाना। दिया बाहर आ चुकी है क्योंकि खुशबू ना जबरदस्त आ रही है, चाय की खुशबू। ये चाय है बनाई हमने यहाँ पे। बस इस चाय की एक खासियत जो अभी तक सब डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इसकी खुशबू बहुत जालिम आ रही है, बहुत जालिम खुशबू। तो अब चाय टाइम चल रहा है, देन फिर हम लोग स्विमिंग करने जाएंगे। म्यूजिक वगैरह हम लोगों ने ऑन कर लिया क्योंकि नमाजें शमाजें सारी हो गई है। और जिया बाहर आ चुकी है क्योंकि जिया को सर्दी लग रही थी, उसको मैंने पास्ता खिला दिया और चिप्स वगैरह वो खा रही है। दुआ तो खुद ही आके बाहर खा भी लेगी। A few moments later. तो स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के बाद हम लोग हो गए हैं फ्री, लेकिन एक पचका हो गया है। पचका ये हो गया है कि मेरी नोज पिन गुम गई है पूल में ही, और पर्ल वाली थी वो और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद थी और अब वो मिल नहीं रही है, तो मुझे बहुत अजीब अपना मूड लग रहा है, वारड़ा लग रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, अब वो मिलने से तो रही। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बाकी सब भी हो चुके हैं, सैर यहाँ पे हो रही है रेडी, और बिरयानी जो हमने बनवाई थी वो अभी गर्म हो रही है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़ेदार, यम्मी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस तरह की भी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
बस अब ये ज़रा थोड़ा सा नया खर्चा मेरे ऊपर पड़ गया है और बर्थडे मंथ भी है ऑलरेडी। बहुत सारी एक्साइटमेंट थी तो एक्साइटमेंट के बीच में ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, बट इट्स ओके। बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। खत्म। बाय बाय। टाटा। गुड बाय। गया।